गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले हम लेंगे सीमेंट, ठीक है। सीमेंट आप कपड़े के अकॉर्डिंग ले लेना, मतलब जितना आपको गमला बड़ा चाहिए तो ज़्यादा सीमेंट लेना, अगर गमला छोटा चाहिए तो थोड़ा सीमेंट लेना, ठीक है, मतलब कम ही लेना। तो फिर अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी और सीमेंट को अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और अब हम लेंगे कपड़ा, कपड़े की मदद से हम इसमें मिक्स करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। बाद में मत बोलना कि हम उसे बना लेंगे, क्योंकि अगर अच्छे से मिक्स होगा तो ही आपका गमला बनेगा, नहीं तो ये बनेगा नहीं ऐसे। जो भी आप शेप देना चाहते हो ना, अगर गमले का जैसे मटके की देना चाहते हो शेप, कोई भी, मतलब कोई भी यार लगा लो, वही शेप दे देना, ठीक है। कपड़े के ऊपर मैंने बाल्टी रखी है, इसके ऊपर मैं वही शेप दे रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो बचा था ना सीमेंट, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है अच्छे से, और अब ये ड्राई होगा तो फिर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे क्या बना है। इसी के साथ मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया था, इसी की तरह सेम करना है। कपड़ा लेना है, सीमेंट लेना है और पानी से बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने ये इधर टोकरी रखी थी, उसकी शेप दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा गमला बड़ा चाहिए था तो इसलिए मैंने यही लगा दिया। और अब हम रख रहे हैं इसके ऊपर, तो ये बड़ा वाला गमला है इसलिए मैंने ज़्यादा सीमेंट लिया था, ठीक है, आप भी ज़्यादा ही लेना। तो जब तक ये ड्राई होगा, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक वेस्ट गत्ता पड़ा था, तो मैंने सोचा इस बॉक्स में मैं कलर रखती थी, और मैंने सोचा इसका DIY करती हूँ। तो मैंने ली पट्टी, वॉल पट्टी जो होती है, उसमें डाला पानी, तो उसको किया मिक्स वेल और इसके ऊपर लगा डाला। तो इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल है, नो जस्ट किडिंग। तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो फिर इसको भी टाइम तो लगेगा ड्राई होने में। अब मेरा वॉल पट्टी का काम ख़त्म, इसके बीच में भी लगाना है। और इसके बाद हम करेंगे तड़ा, कुछ नहीं करेंगे अभी, करना है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हो गया है ड्राई। और अब हम इस पे थोड़ा सा करेंगे वो, मतलब थोड़ा सा डेकोरेट सा करेंगे। तो आपने जो बनाना है बना लीजिए, मैं तो बना रही हूँ अंगूर, मतलब ग्रेप्स, जो मेरे फेवरेट है। आपके भी फेवरेट तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है।
तो सबसे पहले जो इसकी एक्स्ट्रा वॉल पट्टी जो होती है ना, वो सैंड पेपर की मदद से निकाल ली है हमने। तो अब हम इस पे बनाने जा रहे हैं ग्रेप्स। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। करी उस पर कलर, तो आप कोई भी कलर कर लीजिए यार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे मैंने फ्लावर लगाए ना, ये प्लास्टिक के थे, ये वेस्ट ही पड़े थे हमारे घर, तो मैंने उससे इसके बीच लगा लिए। तो ये मैंने, अरे कोई भी कलर चलेगा, बस अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो कर दीजिए बस, अगर करना है तो कोई भी। तो ये कलर हो गया है। ये डन हो गया है गाइस, देखो ये ना ड्राई के बाद ऐसा लग रहा है। मैंने निकाल लिए थे तो ये ऐसा बना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो अब हम कर रहे हैं इस पे कलर। कलर मैं इसलिए कर रही हूँ, यही कर रही हूँ क्योंकि नए कलर अभी है नहीं है मेरे पास, वो दीपावली के आसपास करूँगी जब। मुझे पूरा फूल जैसा लग रहा है यार, ये इतना बड़ा बना है ना, इसमें तो मैं भी आ सकती हूँ। मन तो कर रहा है ट्राई करने का कि इसमें जाकर देखूँ, ठीक है। ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है यार। अब मैं देखो इसमें भी जाने वाली हूँ, पक्का आ जाऊँगी मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बना है। ट्राई करके देखती हूँ। गाइस ये इतना अच्छा बना है, मेरा मन कर रहा है इसके भी जाऊँ, तो मैंने कर ही दिया। ये मैंने दाएँ देखा बाएँ देखा, तो ये लो कितना मज़ा आ रहा था यार। ऐसे लग रहा था पूल, पूल नहीं कह सकते यार, क्या कह सकते, जो भी कह सकते वही लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। तुम हसन परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी। गाइस ऐसी हरकतें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले,
तो प्लीज़ ये जस्ट मैं ऐसे कर रही थी, ठीक है, मेरी जैसे हरकतें मत करना, ये तो मैं ऐसे कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे साइज़ का तो बन गया था, है ये गमला ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अमेजिंग।